मंडल बहुत बैलेंस बनाया गया। उसी प्रकार से लिस्ट को भी आप देखें, जब माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने विभागों का बंटवारे में जो इतना वक्त लगाया था वो बहुत मुफीद था, वो बहुत गंभीर रूप से बनी है। हर बड़े विभागों को जिनको अनुभव है उनको ही दिया गया है, जिनमें बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखिए कि हमारे पास छत्तीसगढ़ में जो विभाग है, आप पंचायत बड़ा विभाग है, शिक्षा बड़ा विभाग है, ये सीनियरों के पास है, वन का अमला काफी बड़ा है, वो भी सीनियर के पास है। तो एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है, और जो 7 दिन की इनके शीर्ष नेतृत्व तो ने कवायद की है, मैं जी कहूंगा कि बनना तो छत्तीसगढ़ में था, जी लेकिन जो कवायद सेंट्रल लेवल पे हुई है, बड़ी मेहनत हुई है, तो एक बैलेंस के रूप में आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल की इसमें मेहनत दिखती है। आप देखिए कि वित्त की सबसे अच्छी जानकारी, मैं समझता हूँ उस पूरे मंत्रिमंडल में, भले ही वो अनुभव राजनीति में अनुभव की उनमें कमी हो, लेकिन वित्त के मामले में उनको बहुत अच्छे अनुभव है, क्योंकि उन्होंने 13 साल वो IAS रहे हैं, उन्होंने हर चीज के देखे, उन्होंने ये देखा कि केंद्र से फंड कैसे लाया जा सकता है और कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे फंड व्यवस्था की जा सकती है, वित्त को कैसे चलाया जा सकता है। तो एक पूर्व IAS को वित्त विभाग सौंपना, जो कि हमेशा से अमर अग्रवाल जी के बाद से ये मुख्यमंत्री के पास रहा है, तो आप मान सकते हैं कि इसमें गंभीर मंत्रणा तो हुई है, गंभीर मंत्रणा दिखती भी है, और सभी सभी को को सम्मान सम्मान के के साथ साथ बड़े बड़े विभाग विभाग भी भी दिए दिए गए गए हैं, हैं जिनका जिनका योग्यता योग्यता जो जो है है उनको उनको बाकायदा बकायदा उसके उसको सम्मान के साथ दिया गया है। उचित जी। वित्त विभाग को लेकर अगर चर्चा की